हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रीजनिंग सेशन 12 के बारे में बात करेंगे और कौन से चैप्टर का बात होगा तो सीरीज से संबंधित क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। किस चैप्टर से? तो सीरीज चैप्टर से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और आपके एग्जाम डीएलएड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डीएलएड का तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम के लिए आप रीजनिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेली हमारे चैनल डीवीएस स्टडी के साथ शाम 7 बजे जुड़ सकते हैं और डेली एक वीडियो लाइव जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे विज्ञान का 750 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो मैराथन क्लासेस चला हुआ था वह चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सामाजिक विज्ञान का भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे मात्र पहली बार मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे 5-18 यहाँ पे कुछ सीरीज लिखी गई है, देख लीजिए 5-18-31-44 5-18-31-44-57 इसे आप कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त क्या देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसी को कुछ करने से पहले डिफरेंस निकाल लेंगे। 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 13, 31 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 13, सब जगह 13 है ना, यहाँ पे भी 13 है। इसी प्रकार से 57 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 13, और 57 में हमें 13 जोड़ देना होगा तो कितना हो जाएगा 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 60 होगा कि नहीं होगा 60, और एक कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। जब 57 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, यानी कि अपना बिल्कुल सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग उसका डिफरेंस निकाल कर देख लेंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी लगता है कि डिफरेंस निकालने से हो जाएगा 420, 360, 310, 270 और 240, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे कितना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 का डिफरेंस है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है 50 का, और यहाँ पे देखेंगे तो 40 का, और यहाँ पे देखेंगे तो 30 का। तो यहाँ पे देखिए 10-10 कम हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस होगा ना, तो यहाँ पे 220 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6-11-18-27-38 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आखिर आएगा तो आएगा क्या, 6-11-18 तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 11 में से 18 जाएगा तो 7, और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। देखिए 5, 7, 9, 11 दो दो का अंतर है ना, तो आगे भी तो आपको दो का अंतर होगा, यानी कि 13, और 13 इसमें हमें जोड़ देना होगा, 13 जोड़ेंगे 38 में तो कितना हो जाएगा 8, 3, 11 के 1, और 1 और 3, 4 और 4 1 में के हाथ में कितना हो जाएगा 51, अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 51 आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे, लेकिन जो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। 2, 2, 5, 9, 10 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो कुछ आपको पता चल रहा है क्या, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, देखिए 1 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं 1+1 या 1² + 1, यहाँ पे 1³ + 1, यहाँ पे कितना लिखना होगा 5 के लिए आप क्या लिखेंगे, 5 के लिए आप लिख सकते हैं क्या, 5 के लिए आप क्या लिखेंगे 2² + 1, 2² + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया गया है 3 को आप कैसे लिखेंगे, 9 को कैसे लिखेंगे, 9 को कैसे लिखेंगे, 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2³ + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ पता लग रहा है, 1² + 1, 1³ + 1, 2² + 1, 2³ + 1 तो कितना हो जाएगा 8+1 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे 3² 1, यहाँ पे 1 आया 2 आया, फिर से यहाँ पे क्या आएगा 3² + 1 9+1 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या होगा 3³ + 1 तो 3³ कितना होता है 27+1 यानी कि 28, यहाँ पे कितना होना चाहिए क्वेश्चन मार्क के जगह पे 28 होना चाहिए, जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 00378 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा। यहाँ पे भी सेम वही रूल कार्य करेगा, 1² - 1 कितना हो जाएगा 1 - 1 0 आ गया, यहाँ पे 1³ - 1 कितना होगा 1 - 1 0 आ गया, फिर से 1 का
यहाँ पे वन वन, उसके बाद क्या होगा टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर माइनस वन, तो चार में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा तीन, यहाँ पे दो क्यूब माइनस वन तो आठ माइनस वन आ गया, यहाँ पे तीन स्क्वायर माइनस वन, तीन तीन माइनस तीन का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ, नौ में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, तो तीन का क्यूब माइनस वन होना चाहिए ना, तो सत्ताईस माइनस एक कितना हो जाएगा छब्बीस, छब्बीस आएगा ना, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना होगा छब्बीस होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीरीज में कौन रूल लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर का। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग देखे हैं, टू में देखे तेरह तेरह का ऐड था, तेरह ऐड करना था, उसके बाद से साठ क्या करना है साठ पचास चालीस तीस बीस, इस प्रकार से आपको घटा के करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर में देखे हैं हम लोग पांच सात नौ ग्यारह तेरह और बाईस, इसके बाद कितना अंतर था पंद्रह का, इसके आगे कोई पूछेगा था सत्रह का, इस प्रकार से हमें निकालना था डिफरेंस। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर का आ गया एक स्क्वायर प्लस, एक का स्क्वायर प्लस वन, एक का क्यूब प्लस वन, इस प्रकार से टू का स्क्वायर प्लस वन और टू का क्यूब प्लस वन, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखिए तो पहले प्लस था एक का स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे है एक का स्क्वायर माइनस वन, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स तक देख लिए हैं। और अभी तक हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चन सीरीज में तीन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। एक एक टाइप का लगभग एक दो क्वेश्चन लेकर आया हूं, इस प्रकार से सात से आठ टाइप के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग सभी लोग सोल्व करेंगे। एक चार नौ सोलह पच्चीस छब्बीस, यहाँ पे क्या होगा देख रहे हैं, यहाँ पे एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा छह का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो छह का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस, बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि छत्तीस, एक का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह और पांच का स्क्वायर पच्चीस, छह का स्क्वायर छत्तीस, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आठ में देखेंगे दो तीन आठ सत्ताईस एक सौ बारह का अगला पद क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, चाहे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं देखिए, यहाँ पे हम कर सकते हैं टू मल्टीप्लाई वन प्लस वन, कर सकते हैं कि नहीं, तो दो प्लस एक कितना हो जाएगा तीन होगा ना, इसी प्रकार से आगे देखिए तीन गुना दो प्लस दो, जितना से मल्टीप्लाई उतना जोड़ना है आठ हो गया, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आठ तेरी चौबीस प्लस तीन सताइस हो गया ना, चौबीस प्लस तीन कितना हो जाएगा सताइस, इसी प्रकार से ऐड करेंगे तो सताइस मल्टीप्लाई फोर प्लस फोर, तो सात चौका अट्ठाईस के आठ और सात चार दुना आठ, यहाँ पे एक सौ बारह हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 112 हुआ, 112 हुआ कि नहीं, तो अब 112 में हमें कितना से गुना करना होगा, पांच से प्लस पांच जोड़ना होगा, तो 12 पचास 60 560 हो जाएगा और प्लस चार कितना हो जाएगा 564, बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा है इसमें देखिए 564 कहीं पे है, देखिए चार नहीं बल्कि पांच ही आपको जोड़ना है, कितना जोड़ना है पांच जोड़ना है ना कि चार जोड़ना है, तो यहाँ पे पांच आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 560 में पांच जोड़ेंगे तो 564 ना होगा, कैसे होगा 565 होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर, ये सभी टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखे पहले हम लोग स्क्वायर करके घटा रहे थे, उसके बाद जोड़ करके क्या कर रहे थे स्क्वायर में से घटा रहे थे, जितना का स्क्वायर उतना घटा रहे थे, उतना जोड़ के भी आंसर निकाले। उसके बाद यहाँ पे जितना से गुना उतना जोड़ना है, ये सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एक टाइप पर लगभग 50-50 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं एक टाइप का क्वेश्चन एक ही लेकर आया हूँ जिससे आपको समझने में काफी कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सके। पांच ग्यारह तेईस चौरासी सैतालीस पंचानवे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए पांच गुना दो प्लस वन कुछ सीरीज लग रहा है, डबल हो रहा है, सबका लग रहा है कि डबल, ग्यारह मल्टीप्लाई टू प्लस कितना करेंगे वन, कितना हो जाएगा ग्यारह गुना बाईस प्लस एक तेईस हो जाएगा, यहाँ पे तेईस मल्टीप्लाई टू छियालीस हो जाएगा और प्लस वन एक सैतालीस हो जाएगा, यहाँ पे सैतालीस मल्टीप्लाई टू प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा चौरानवे प्लस वन कितना हो जाएगा चौरानवे प्लस वन पंचानवे हो जाएगा, तो यहाँ पे पंचानवे मल्टीप्लाई टू प्लस वन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो पंचानवे दुना कितना हो जाएगा पंचानवे दुना एक सौ नब्बे प्लस एक कितना हो जाएगा एक सौ इक्यानवे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए एक सौ इक्यानवे, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा है इनमें से कोई नहीं आ रहा है, देखिए पंचानवे में दो से गुना करना होगा कितना होगा पांच दुना दस के जीरो नौ दुना अठारह एक उन्नीस, एक सौ नब्बे प्लस वन एक सौ इक्यानवे आएगा, यानी कि ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं, जब नहीं है तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए ऑप्शन नंबर फाइव, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखेंगे एक आठ सताइस चौसठ एक सौ पच्चीस, आपको लग रहा है क्या डबल हो रहा है, डबल से भी ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्यूब चल रहा है वन का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब चार का क्यूब चार का क्यूब उसके पांच पांच का क्यूब उसके बाद छह का क्यूब, तो छह का क्यूब कितना होता है
कितना होता है 216 होता है कि नहीं। 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब कितना होगा 343। 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब 500 कुछ होगा, 564 के आसपास होना चाहिए। 5 का क्यूब कितना होगा, आप उसे कर लीजिए कैलकुलेट। यहाँ पे देखिए 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512। स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 8 में गुणा कर देना, 8 दुना 32, 8 में 3, 8 से 48, 3 12, 312 आ गया ना अपना क्यूब निकल गया, क्यूब निकल गया। इसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए 20 तक का, कम से कम 1 से लेकर 30 तक क्यूब, और 1 से 30 तक क्यूब, और 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होना ही चाहिए। याद होगा तो आप मैथ के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजी मेथड से जल्दीबाजी में आप उसका आंसर निकाल सकते थे। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको क्यूब याद रहता तो आपको पता लग जाता कि 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक एक वर्ग के सबका क्यूब निकल रहा है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब 216, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ से हम यहाँ पे प्रवेश करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सीरीज से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे थे, एक टाइप के सीरीज जो बनते हैं, सबसे पहले हम लोग तो डिफरेंस निकाल के उसका क्वेश्चन का आंसर निकाले, क्या डिफरेंस निकाले, कुछ ऐड करके भी निकाले, उसके बाद जितना से मल्टीप्लाई उतना ही हमें जोड़ना भी था, अगर एक से मल्टीप्लाई तो एक भी ऐड भी करना था, और उसके बाद से जितना से मल्टीप्लाई उतना घटाना भी था। इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम लोग किए, उसके बाद हम लोग किए एक का स्क्वायर तो उतना ही हमें घटा भी लेना था, अगर x का क्यूब तो उतना ही हमें घटा भी लेना था, तो उतना ही हमें जोड़ भी लेना था, यानी कि x का स्क्वायर तो x प्लस और x का क्यूब तो x प्लस क्यूब। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को निकाल लिए थे। हम लोग 10 क्वेश्चन में लगभग 10 टाइप के क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन एक दूसरे से अलग अलग क्वेश्चन है, कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। यहाँ पे अगर हम चाहे तो 10 कॉन्सेप्ट के लिए 10 से ज्यादा यानी कि 100 क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट पे कितना क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। लेकिन उस प्रकार से ना करके हम लोग को रिवाइज करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग देख पाए, टाइप देख पाए कि आपका दिमाग कम से कम एग्जाम हॉल में चल सके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। उससे पहले अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में प्रवेश किए हैं। यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताना है, टाइप नंबर 2 में आपको बताना क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टाइप नंबर 2 में सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें से निम्नलिखित संख्या श्रृंखलाओं में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद को आपको चुनना है। यहाँ पे दिया हुआ है ना 16, 19, 21, 30, 46, 71, 107 दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको क्या बताना है, कौन सा गलत पद है वही आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं कितना, यहाँ पे हम लोग करते हैं एक, 16 को लिखना है तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16+1 का स्क्वायर क्या आएगा, 16+1 17 ही आना चाहिए ना। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे 17 का, यहाँ पे 16 के बाद 17+1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, यानी कि 1 होगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 18+3 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर। किसे आपको कैसे बनाना है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पे 19+4 का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए गलत पद आपका कौन सा आ रहा है, गलत पद इसमें आ रहा है कौन तो 19 ही आएगा। कैसे देखिए यहाँ पे 16 आ गया तो 17, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए प्लस 1, 16 का 16 में प्लस 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 16+1=17 हो गया, 17 का फिर से 2 का स्क्वायर किए तो 17+4 कितना हो जाएगा 21 आया, 21 आया ना, 21 आ गया तो आगे कितना करेंगे 21 का स्क्वायर, आगे कितना करेंगे 21 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया 21 आया तो हमें 21 का स्क्वायर अब करना है, कितना 21 का स्क्वायर करना है 21 प्लस कितना 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 21 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 30, 21 आया और यहाँ पे 30 भी आ गया। अब 30 प्लस 4 का स्क्वायर, 30 प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 तो 46, यहाँ पे अपना ये 46 भी आ गया, कितना ये 46 भी आया। तो अब 46 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर तो 46+25 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 71, यहाँ से देखेंगे तो अपना 71 भी आ गया, कितना आया 71 आया कि नहीं। तो अब 71 प्लस 6 का स्क्वायर
तो 71 प्लस 6 36 यहाँ पे हो जाएगा 7 और 107 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आ गया सब तो आ गया, देखिए यहाँ पे 16 प्लस 1 किए तो 17 आया, 16 प्लस 1 किए तो 17 आया, और 17 में 17 का 1 का स्क्वायर भागे उसके आगे 2 का स्क्वायर किए तो 21 आया, लेकिन 19 आया क्या, इसमें गलत पद कौन है, तो 19 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आपको गलत पद बताना था, गलत पद आखिर है तो है कौन, 21 भी आया, 30 भी आया, 46 भी आया, 71 भी आया, 107 भी आया, लेकिन 19 कहीं भी आया नहीं आया, जिसकी वजह से यह गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी देखेंगे, कुछ इसमें भी आपको गलत पद ही बताना है, कौन गलत पद है, 7 9 16 25 41 68 107 173 इसमें गलत पद आखिर है तो है कौन, यही आपको बताना है। चलिए इसमें हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, इसका 7 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ गया, अब 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ गया, और 25 में हम 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41 होगा कि नहीं, 41 भी हो गया, 41 में हमें कितना जोड़ना होगा, 25, यहाँ पे 25 जोड़ेंगे तो 6 और 6 66, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है ना, जिसके वजह से गलत हो जाएगा। अब 68 में हम लोग को कितना जोड़ना होगा, 66 में हमें कितना जोड़ना होगा, 66 में हमें 41 जोड़ना होगा, जब 41 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 107, यानी कि यहाँ पे 68 न होकर कितना होना चाहिए, 66 होता तो बिल्कुल सही आंसर होता, यहाँ पे गलत पद पकड़ाया आपको, 68 क्या होगा, 68 की जगह पे 66 होना चाहिए, तो गलत पद कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 107 में अब हमें कितना जोड़ना होगा, 107 में हमें 66 जोड़ना होगा, तो कितना होगा, 107 में अगर 66 जोड़ते तो 173 होता, आगे वाला भी फॉलो कर रहा है, यानी कि सभी फॉलो कर रहे हैं पीछे वाले का, इसमें इसको जोड़कर इसका आंसर निकाला गया है, और इसको जोड़ने इन दोनों को जोड़ने पे किसका 25 आया है, और 25 16 को जोड़ने पे 41 आया है, 41 25 को जोड़ने पर 66 आया है, और 66 41 को जोड़ने पर 107 आया है, 107 और 66 जोड़ने पर 173 आया है, इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको गलत पद बताना है कि आखिर गलत पद है तो है कौन। यह क्वेश्चन 2008 में बैंक के एग्जाम में पूछा गया है, 4 2 3 5 यहाँ पे 7 5 26 2 5 118 125 यहाँ पे आपको गलत पद बताना है कि आखिर गलत पद है तो है कौन सा, वह आखिर वह गलत है तो है कौन सा। यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको कम हो रहा है ना, 4 से 2 आ गया, यानी कि कुछ तो 1 से कम से गुना किया होगा या तो भाग किया होगा, तो 4 में हम लोग 0.5 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या तो 4 में 1/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 2 होगा, या तो 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 से आप गुना कर लेंगे, अब 0.5 से गुना किए तो 2 आ गया, अब हमें 3.5 लाना है, तो 2 में हम कितना से गुना करेंगे, 3.5 आ जाएगा, तो इसमें 1.5 से गुना करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, 1.5 से आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 आ गया, यानी कि यहाँ पे 0.5 यहाँ पे 1.5 तो आगे क्या होगा, 2.5 से गुना करेंगे, 3.5 में कितना से, 2 से, कितना से करना होगा, 2.5 से, क्योंकि एक एक हम लोग बढ़ा रहे हैं, कितना से गुना करना होगा, यहाँ पे 2.5 से गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक हम लोग बढ़ा रहे थे, इसको गुना करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, 7.5 में अब हमें कितना से गुना करना होगा, 7.5 में 3.5 से गुना करना होगा, 3.5 से गुना करना होगा, जब 3.5 से गुना करेंगे तो 26.25 आ जाएगा, और जब 26.25 में आप 4.5 से यानी कि 4.5 से गुना करेंगे तो 118.125 आएगा। क्या आपको पता लगा कैसे करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें 0.25 से गुना करना है तो 2 आ जाएगा, 4 से हमें 2 आना है, यानी कि 0.5 से गुना करेंगे या 1/2 से गुना करेंगे, जब 1/2 से गुना किए, 0.5 से गुना किए तो 2 आया, अब 2 में हमें कितना से गुना करना होगा, 3.5 है, तो 1.5 से गुना करेंगे तब तो 3.5 आया, जब यहाँ पे मल्टीपल का अंतर देखेंगे, मल्टीपल का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 1 का डिफरेंस है, तो सब में अब 1 बराबर आके गुना करना होगा ना, तो 1.5 में 2.5 से, उसके बाद 3.5 से, उसके बाद 4.5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल कौन सा आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे गलत पद आपको बताना है, आखिर गलत पद वह है तो है कौन, यही आपको बताना है। अब यहाँ पे 2.15 से गुना करेंगे तो क्या है, 2 में 1.5 से हमें गुना करना था, तो 15 2 30 कितना होना चाहिए, 3.0 होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कितना है,
यहाँ पे दिया हुआ कितना है 3.5, यानी कि अपना पद कौन सा गलत है, यही ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है। यहाँ पे 3 में आप कितना से गुना करना होगा, 2.5 से गुना करते तो कितना आता, 7.5 आता, लेकिन यह क्या है, गलत दिया हुआ है, 3.5 गलत है। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे 16, 4, 2, 1.5, 1.75, 1.875, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा गलत पद है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही गलत पद ही आपको बताना है। तो सबसे पहले इससे पहले वाले में हमें 4 से आना है, यानी कि 4 से 1/4 से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं या 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 में हमें 0.5 से गुना करेंगे तो क्या 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 25 बढ़ा रहे हैं, 0.25 धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग धीरे आगे आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 से जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 1.5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होगा 1.5 होगा कि नहीं होगा, यही आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 0.25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। जब 1.5 में हमें कितना से गुना करना होगा, अब 1 से गुना करना होगा ना, 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, जब हम 1 से गुना करेंगे तो 1.5 ही होगा ना, जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1.5 ही होगा, लेकिन दिया हुआ कितना है, 1.75, जो बिल्कुल गलत है। जब 1.75 में हम गुना किए अब कितना सब करना होगा, 1.25 से हमें गुना करना होगा तो कितना आएगा, 1.875 आ जाएगा। जब यहाँ पे देख रहे हैं 1.5 के जगह पे 1.75 लिखा हुआ है जो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1.75 के जगह पे 1.5 होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से आपको मल्टीपल कर करके चेक कर लेना होगा कि किसका मल्टीपल क्या है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2, 5, 10, 17, 26, 27, 50, 64, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है। तो यहाँ पे आप कैसे इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिर से कुछ वही मेथड आपको लगाना होगा। 2 में कितना से गुना करेंगे कि 5 आ जाएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 प्लस 1, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी गुना करना होगा तो 5 गुना 2 प्लस 1, ये तो कार्य कर ही नहीं रहा है, 5 गुना 10 और 11, यहाँ पे अगर 11 होता 10 के जगह पे तो ये रूल आगे भी हम लोग चेक करते, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल का तो कार्य कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये होगा ही नहीं। जब ये नहीं होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे मल्टीपल वाला हटाते हैं, स्क्वायर वाला चेक किए तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 9 प्लस 1, 10 आ गया, यानी कि स्क्वायर फॉलो कर रहा है, तो आगे भी हम चेक करेंगे कि यह स्क्वायर फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17, ये भी फॉलो किया, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर का ही कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26, यहाँ पे 26। अब 6 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26, यहाँ पे करेंगे तो 6 36 प्लस 1 37 आ गया, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 49 प्लस 1 50 आ गया, यहाँ पे करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 1 तो 8 5 64 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना हुआ है, 64, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, लेकिन 64 के जगह पे अगर 65 होता, 64 के जगह पे 65 यानी कि 65 होता वो बिल्कुल सही होता, लेकिन दिया हुआ है कितना, 64, जिसकी वजह से यह गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे 5, 27, 61, 122, 230, 314, 509, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है। यहाँ पे आपको कुछ पता लग रहा है क्या, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कुछ स्क्वायर करके या गुना करके या एक डिफरेंस निकाल के आपको कुछ तो पता लग रहा होगा। यहाँ पे दिमाग दौड़ाएंगे तो यहाँ पे पता लगेगा कि 5 में से 5 का स्क्वायर प्लस कितना करना होगा, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चेक करेंगे 3 का स्क्वायर, हम स्क्वायर भी करके चेक कर सकते हैं, जो रूल कार्य करेगा इसमें वही रूल से आपको बताना है कि आखिर इसका सही आंसर होगा तो होगा क्या, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 में से हम कितना घटाएंगे, 5 आएगा, तो 3 घटाए तो कितना हुआ, 2 का क्यूब उससे ज्यादा हमें घटाना है, x का क्यूब और x प्लस 1 घटा लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो इसके बाद चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो 3 का क्यूब तो 27 होता है और 3 घटाएंगे तो 24 होना चाहिए था। आगे भी चेक करेंगे
चार का क्यूब माइनस चार, तो चार चौका कितना हो जाएगा 64 और चार कितना हो जाएगा 60, लेकिन यहाँ पे 60 दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से हमें आगे भी चेक करना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कितना 61, लेकिन हमें घटाना कितना है, दोनों जगह तीन तीन घटाए तो यहाँ पे हम चार कैसे घटाएंगे, यहाँ पे भी तो हमें तीन ही घटाना होगा ना, जब हम तीन घटाएंगे तो कितना होगा 61 हो जाएगा, यानी कि ए तो सही है और ए भी सही है। अब 27 तो गलत है, आगे भी चेक कर लेते हैं, पांच का क्यूब माइनस तीन, तो 125 और तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा 122, बिल्कुल आगे भी ये भी सही हुआ। आगे चेक करेंगे छह का क्यूब माइनस तीन, तो छह का क्यूब कितना होता है 216 और माइनस तीन करेंगे तो 213 हो गया, यानी कि ये भी अपना सही हुआ। आगे बढ़ेंगे सात का क्यूब माइनस तीन, तो सात का क्यूब कितना होता है 343 और माइनस तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा 340। यहाँ पे आठ का क्यूब माइनस तीन करेंगे तो आठ का क्यूब कितना होता है 512 माइनस तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा 509, यानी कि 340 509 सभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब, छह का क्यूब और सभी में से माइनस थ्री करने के बाद अपना सीरीज लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे अगर 24 होता बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है 27, जिसके वजह से यह गलत हुआ, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 121 143 165 186 209, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है। यहाँ पे हम लोग 121 में हमें कितना जोड़ना होगा कि 130 आ जाएगा, तो 121 में 22 जोड़ेंगे तो 143 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 143 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 165, अब 165 में हमें 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 7, 8 और 1 187 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 186 है, जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। आगे भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि आगे भी जोड़ने पर आगे आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 209, बिल्कुल, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 187 होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन सीरीज में कौन सा पद गलत है यही आपको पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर, यहाँ पे 16 22 30 45 52 और 66, यहाँ पे भी आपको बताना है कि 16 22 उसके बाद 30 उसके बाद है 45 उसके बाद है 52 उसके बाद है 66 में कौन सा पद गलत है, कौन सा पद गलत है। तो आगे हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना होगा, प्लस सिक्स करने पर 16 में प्लस सिक्स करेंगे तो कितना होगा 22 हो जाएगा, और 22 में हम प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में हमें कितना, यहाँ पे दो का डिफरेंस है तो आगे भी तो दो का ही डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे 40 होता, यहाँ पे 40 होता कि नहीं, अगर 40 होता तो आगे हम कितना जोड़ते 12 जोड़ते 52 आ गया, यानी कि ये भी सही हुआ, और आगे हमें फिर से कितना जोड़ना होता 14, यानी कि 66 भी आ गया। यहाँ पे 45 की जगह पे 40 होना चाहिए जो बिल्कुल गलत है, तो कौन सा पद गलत है, यहाँ पे गलत पद ऑप्शन नंबर टू यानी कि 45 बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 8 30 21 32 47 63 83, इसमें कौन सा पद गलत है यही आपको बताना है, यहाँ पे कौन सा पद गलत होगा यह आपको बताना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए आखिर है तो है कौन सा पद गलत। तो यहाँ पे 8 और 13 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हुआ 5, और 5 में या 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में हम कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 में हम कितना जोड़ेंगे कि 17 आएगा, तो 13 में हम 7 जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं, यानी कि प्लस 7 की, यहाँ पे प्लस 5 की, आगे हमें 21 में अब कितना जोड़ना होगा यहाँ पे 7 जोड़े, यहाँ पे 7 जोड़े तो 21 आएगा क्या, नहीं 8 जोड़ना होगा, कितना 8 जोड़ते यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, कितना बढ़ा के जोड़ना है तो प्लस 3 बढ़ा के जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस 3 बढ़ा के जोड़े तो यहाँ पे 21 में अब कितना जोड़ना होगा हमें 11 जोड़ना चाहिए, और 11 जोड़ने पे अगर 32 आ जाता है तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कितना बिल्कुल सही है 32 आ गया, आगे हम देंगे और 32 में हमें अब कितना जोड़ना होगा 3 बढ़ाकर, यानी कि 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे बिल्कुल 14 हो जाएगा, और 14 में जोड़ेंगे तो 32 और 14 जोड़ेंगे तो 46 होना चाहिए, जो यहाँ पे
47 दिया हुआ है, आगे भी हमें जोड़कर चेक कर लेना चाहिए। और 14 में हमें 3 ऐड करना था, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 को हम लोग जोड़ते तो 36 आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। और 36 में हमें 20 जोड़ना होगा, जो 83 भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कौन सा पद गलत था, तो यहाँ पे कौन सा पद गलत था, 47 वाला पद बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो भी टाइप किए वह काफी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में प्रवेश करते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में। अभी तक तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए, लेकिन अब अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग आगे सोल्व करेंगे। किस चैप्टर से, तो अल्फाबेटिकल सीरीज से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए, एक क्वेश्चन 11 नंबर है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसमें कौन सा पद गलत है, कौन सा पद गलत है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले, लेकिन चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले डीपीएस स्टडी चैनल पे सबसे पहले और सबसे तेज आते ही रहेंगे और डेली 7 बजे आएंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल सीरीज से संबंधित, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा पद आएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा पद आएगा यह आपको बताना है, कौन सा पद आएगा यह आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे दो पद, यहाँ पे तीन पद, यहाँ पे कितना पद होना चाहिए, 4 पद होना चाहिए, आगे 5 पद है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा पद आएगा, 4 पद वाला होगा। देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ चाहे सभी जगह 4-4 है, तो या इससे अभी कंफर्म नहीं हुआ कि आखिर इसका आंसर आएगा तो आएगा क्या। अब सबसे पहले हम लोगों को नंबर याद होना चाहिए अल्फाबेटिकल सीरीज में, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बी कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे, डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, डी एच कितने नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, और जे कितने नंबर पे, 10 नंबर पे आया। आगे हमें चेक करना होगा, आगे तो आपको पता होगा भी कितना है, भी 22 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, और एक्स 24 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, और जेड 26 नंबर पे। तो यहाँ पे देखे तो डी और बी में कितने का अंतर है, +2 करने पे आया, और यहाँ पे हमें और +2 में पहले को सिर्फ हम लोग चेक कर लेते हैं, 4 में अब हम कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो +4 किए, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो आगे हमें कितना करना होगा, अगर 6, तो यहाँ पे हम 6 जोड़ दिए तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे पहले वाला पद कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले वाला पद क्या होगा, 8, 6, 14, यानी कि पहला पद 14 हो जाएगा, और 14 पे क्या आता है, एन, आगे भी हमें चेक करना होगा क्या एन से ही स्टार्ट होगा, तो एन से तो सिर्फ मात्र एक ही ऑप्शन नंबर 5 ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 लगा के आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन संभव हो तो इसे चेक भी कर लेना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 ही बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे 14 में 8 में 6 जोड़े तो 14 हो गया, और 14 में हम कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे तो 22 होगा, तो यहाँ पे हमें कितना जोड़ना चाहिए, 8 जोड़ेंगे, यानी कि +2 +2 सब में बढ़ते हुए आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है, 14 ही यहाँ पे होगा, तो हमें एक ही पद निकालने से क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर निकला। आगे हम 5 और 9 का भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कितना होगा, +4 हो जाएगा, और +4 में अभी कितना जोड़ना होगा कि यहाँ पे आगे आएगा, तो यहाँ पे प्लस सब में 2-2 बढ़ा के जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 6 जोड़ना होगा, इससे पहले 4 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना 6 जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे 9 में, तो कितना हो जाएगा 15 पे क्या आता है, ओ, यानी कि बिल्कुल सही है, अभी 15 एन ओ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। आप यहीं पे पी क्यू आगे लगाने के बाद आगे भी आप 2 लेटर को चेक कर सकते हैं, लेकिन 2 लेटर को चेक किए और दोनों सही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यहाँ पे सभी में +2 करके बताया गया था, ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है, एक्स डी ए डब्ल्यू ई डी वी एफ जी यू जी जे टी एच एम में अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स कितने नंबर पे आता है, एक्स आता है कितने नंबर पे, ए आपको बताना है, एक्स वाई जेड, एक्स कितने नंबर पे आता है, यानी कि वाई कितने 25 पे, और एक्स 24 पे, डी कितने नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, ए नंबर पे, यानी कि 1 नंबर पे आता है, यहाँ पे डब्ल्यू कितने नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, और डी कितने नंबर पे, डी 4 नंबर पे आता है। यहाँ पे 24 में से हम कितना काम करेंगे कि 23 आ जाएगा, तो -1 किए, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, +1 कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें कितना जोड़ना होगा कि 4 आएगा, यहाँ पे हमें कितना जोड़ना होगा
कि 4 आएगा तो प्लस 3 करना होगा। सबसे पहले क्या किया हम लोग, सबसे पहले किए हैं क्या, माइनस 1 फिर प्लस 1 और प्लस 3 किए, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3। आपको ये तीन लेटर में क्रमांश बताना होगा। तो W आता है 23 नंबर पे, V कितने नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे। तो 23 से एक कम करेंगे तो आ गया माइनस के कार्य, तो हो गया 23 में से घटाएंगे 22 हुआ। अब प्लस 1 करना है, E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो यहाँ पे F कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, और D 4 नंबर पे, G 7 नंबर पे। यहाँ पे अब 4 में हमें प्लस 3 करना होगा, यानी कि बिल्कुल सही है, ये क्रम वा माइनस वन प्लस वन प्लस थ्री का क्रमांक है। तो आगे यहाँ पे टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, 20 में से एक काम करना है तो कितना हो जाएगा, 19 नंबर पे क्या आता है, एस, एस से ही स्टार्ट होगा। तो एस से कौन है, एस से तो यही है एस आई पी, यही अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, और 8 में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और 9 कितने नंबर पे आता है, 9 पे क्या आता है, आई आता है, और M आता है कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, और 13 में हमें प्लस 3 करना होगा, क्या करना होगा, 13 में प्लस 3 यानी कि 16 हो गया। 16 पे क्या होता है, O के बाद P, यानी कि बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा, S I P बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। O U A P R D Q O G का अगला पद क्या होगा, यहाँ पे भी आपको सबसे पहले इसका क्रमशः संख्या लिख लेना होगा कि O कितने नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, U कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, यहाँ पे P 16 नंबर पे, R कितने नंबर पे, R 18 नंबर पे, D कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, यहाँ पे Q 17 नंबर पे, O 15 नंबर पे, G 7 नंबर पे। अगला पद क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो इसी रूटिंग से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कौन सा सीरीज कार्य कर रहा है, ये आपको सीरीज पता करना होगा, कितना प्लस कितना माइनस करने पे यह सीरीज निकल रहा है। तो हम 15 में कितना जोड़ेंगे कि तो 16 आएगा, 15 में हम कितना जोड़ेंगे कि 16 आ जाएगा, तो प्लस 1 करना होगा, कितना प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो 16 आ जाएगा, यानी कि प्लस 1 करना हुआ पहले वाले लेटर में, प्लस 1 करना हुआ किसमें, पहले वाले लेटर में। उसके बाद हम 21 में कितना जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा, तो 21 में हम प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसी प्रकार से हम प्लस 1 में हम कितना जोड़ेंगे कि तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है। आगे हम चेक करेंगे तो 16 में हम कितना जोड़ेंगे, 16 में हम कितना जोड़ेंगे कि 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो प्लस 1 करना होगा, कितना प्लस 1 करना होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे R में कितना जोड़े कि यहाँ पे, R में हम कितना जोड़े कि यहाँ पे 18 आ जाएगा, यानी 18 कितना 15 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, यहाँ पे 21 में हम कितना जोड़ेंगे कि 18 होगा, तो माइनस 3 करना होगा, क्या भाई माइनस 3 करना होगा। पहले वाले में तो क्या किए, प्लस 1 किए, लेकिन दूसरे वाले में हम क्या किए, माइनस 3 किए, 21 में से 18 चाहिए हमें, तो माइनस 3 करेंगे तब तो आएगा ना, आ गया। और इसके बाद से 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3 ऐसे करना है आपको। तो 18 नंबर पे आता है R और O 15 नंबर पे, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस 3 करेंगे, और इसके बाद हमें प्लस 3 करना होगा, प्लस 3 करेंगे क्या 7 आता है, प्लस 3 करेंगे D में 3 जोड़ देंगे तो 7 आएगा, यानी कि पहले वाले क्रमांक में हमें 17 में एक क्या करना होगा, जोड़ देना है, एक जोड़ देना है, तो 17 में एक जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 नंबर पे क्या होता है, 18 नंबर पे आखिर होता क्या है, तो R, R होगा, और यहाँ पे 15 में से 3 घटाएंगे, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, और 12 पे क्या आता है L। उसी प्रकार से 7 में अब हमें 3 जोड़ देना होगा, 7 में कितना, 7 में 3 जोड़ देना होगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 पे क्या आता है J, 10 पे क्या आता है J, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 10 में 7 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, और 10 पे क्या आता है J आता है। इसी प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो R L J बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे R L J में आगे बढ़ेंगे तो क्या इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बी एक्स एफ डी वी आई डी वी आई एफ टी एल एच आर ओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी पहले सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि बी के स्थान पे क्या आएगा, बी के स्थान पे क्या आएगा, तो बी तो दूसरे नंबर पे आता है, एक्स कितने नंबर पे होता है, एक्स
24 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, आपको अल्फाबेटिकल क्रमांक पहले याद होना चाहिए, और यहाँ पे डी 4 नंबर पे, भी 22 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। यहाँ पे आपको ये बताना होगा क्या यहाँ पे प्लस टू करेंगे, प्लस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टू करेंगे तो 4 होगा, इसके बाद यहाँ पे क्या माइनस टू करना होगा, 24 में से माइनस टू करेंगे तब तो 22 आएगा ना, और उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस थ्री करेंगे तब तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस टू क्रमांक माइनस टू और प्लस थ्री का क्रमांक है, क्या यह सीरीज आगे भी फॉलो करेगा, तो आगे हमें चेक कर लेना होगा। यहाँ पे एफ 6 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एल 12 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे चेक करेंगे प्लस टू यानी कि यहाँ पे 6 नंबर चेक करेंगे तो क्या प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसी प्रकार से भी में 22 में कितना घटाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा टी हो जाएगा, तो यानी कि माइनस टू करेंगे, प्लस टू माइनस टू, उसके बाद क्या है क्रमांक प्लस थ्री का क्रमांक है, तो आई में हम कितना जोड़ेंगे कि एल हो जाएगा, तो आई 9 नंबर पे, प्लस थ्री करेंगे तो एल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि माइनस टू प्लस प्लस टू माइनस टू, प्लस टू पहले है कौन सा क्रमांक, पहले है प्लस टू करना है, उसके बाद माइनस टू करना है, उसके बाद फिर से प्लस थ्री करना है, इस प्रकार से हम लोग एच आर ओ में चेक कर लेंगे, यही क्रमांक हमें फॉलो करना होगा। तो एच नंबर पे क्या आता है 8, आर पे 18 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ 15 नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे 15 नंबर पे, तो सबसे पहले 8 में हमें 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 10, और 18 में हमें 2 घटाना है, 16 और 15 में 3 जोड़ देना है कितना 18, तो 10 पे क्या आता है 10 पर जे, 16 पे पी, 18 पे आर, यानी कि जे पी आर बिल्कुल सही होगा, जे पी आर बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 यह आपके लिए होमवर्क में है, आप इसे बनाकर क्या करेंगे, इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि इस क्रमांक का अगला पद आखिर होगा तो होगा क्या, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।